नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स डेम। आज के इस एपिसोड में अडानी इंटरप्राइजेज स्टॉक को डिस्कस करेंगे। इस समय देखेंगे तो आप इजीली पाएंगे कि ये स्टॉक नैरो रेंज कंसोलिडेट फॉर्म में ट्रेड होते हुए दिख रहा है। इम्पोर्टेंट है एक लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करें तो एक मोमेंटम आपको दिखेगा। एक बहुत बड़ी खबर इस स्टॉक में दिखी है, जहाँ ये कंपनी अगेन डेट के रीफाइनेंस को लेकर के न्यूज़ आई। आगे ट्रेंड को डिस्कस करें इससे पहले आई होप कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके दोस्तों में शेयर करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लें अगर आपको हमारे साथ ट्रेडिंग करना है। प्रीमियम टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, उसको भी ज्वाइन करेंगे। यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे न्यूज़ दिखे, जिसमें एक बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है, जहाँ अडानी ग्रुप स्टॉक इन फोकस ऑन रिपोर्ट ऑफ 3.8 बिलियन डेट रीफाइनेंसिंग, लगभग नियर अराउंड 30,000 करोड़ के आसपास का फंड जो है अगेन ये अपने डेट का फंड को चुकाएगी। यहाँ देखिए तो 3.8 बिलियन डेट रिफाइनेंसिंग, अडानी ग्रुप शेयर, अडानी टोटल गैस शेयर आर डाउन 83%, 72% ट्रांसमिशन ग्रीन इतने परसेंट, ये कॉमनली न्यूज़ दिख रहा है। आगे देखेंगे तो कुछ भी बड़े न्यूज़ नहीं है इस न्यूज़ के अलावा, और जो डिलीवरी है वो तो ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से मिसिंग है, लेकिन ट्रेंड देखें तो आउट परफॉर्मिंग रहा है। और अभी भी देखें तो एक बड़ा नैरो रेंज कंसोलिडेट फॉर्म में ट्रेड कर रहा है। अगेन मैं यही रिपीट करूंगा कि 2500 के ऊपर का बाइंग, या फिर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो सी, और 2420 के नीचे जब तक डेली क्लोजिंग नहीं देता है तब तक पी या शॉर्ट नहीं करेंगे। जो स्टॉक में भी बाइंग करना चाहते हैं 2520 के बीच के लेवल को ब्रेकआउट करने दें, फिर बड़ा टारगेट आपको 3000 तक के लेवल्स भी विद इन मैक्सिमम 3 to 5 मंथ में इजीली दिख सकता है। लेवल ब्रेकआउट होने दें और जोन को ध्यान में रखें, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं एक बड़ा मोमेंटम आप कैच कर पाएंगे।